किसानों के समर्थन में पूरा भारत बंद है। आरजेडी और माले के लोग सिवान के जेपी चौक पे मौजूद हैं और पूरे रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे खास तौर पे ये जो है पूरा बैंडिंग किया गया, लेकिन कुछ छोटे वाहन जाने के लिए यहाँ से एक रास्ता बनाया गया और माले के लोग यहाँ पे खड़े हैं। पूरा भारत आज बंद है किसानों के समर्थन। हाँ, पूरा भारत बंद है किसानों के समर्थन में। कृषि के जो पास होल बाद 3 गो काला कानून एकरा के वापस ले जाओ, किसान पर हमला और दमन के बंद कर जाओ, और लागत मूल के डेढ़ा समर्थन मूल के अलावा लाभकारी मूल हमने के डेढ़ा मिले के चाहिए, यह मांग के साथ हमने के यहाँ बंदी में बानी सन। जना में मेडिकल इमरजेंसी गाड़ी, शादी ब्याह के गाड़ी, दवा के दुकान एकरा से सब अलग रखल गई बा। अब बाकी पूरा भारत बंद बा। ट्रक यूनियन के नेता, डॉक्टर लोग के समर्थन, 20 गो पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन, 300 लगभग किसान संगठन सब लोग बंद में शामिल बा और एक ही मांग बा कि यह काला कानून वापस ले जाए। सरकार अगर इस बात को नहीं माननी है तो फिर अगला कदम किस तरह से आगे होगा? अभी तो पहला कदम बा, देखिए सरकार के तो वापस ले वहीं के बा, भाजपा में फूट पड़ गई बा। देश के तमाम किसान, मजदूर, गरीब, छात्र, नौजवान लोग जाग चुकल बा, आइए समर्थन में लोग कूद गई बा, ये आंदोलन में लोग शामिल बा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जेपी चौक पे मौजूद खड़े हैं और बंदी जो सिवान का है पूरी तरह से रोड को जाम कर दिया गया है। यहाँ से हमारे सदर के जो विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी वो भी मौजूद हैं, बरहरिया के विधायक बच्चा पांडे भी मौजूद हैं, कई तरह के यहाँ पे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ लीलावती गिरी जी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। पूरी तरह से आज सिवान चक्का चक्का जाम कर दिया गया है। निश्चित रूप से सिवान ही नहीं बल्कि पूरी भारत बंद है और स्वतः बंद है। जो हमारे किसान अन्नदाता हैं, जो भारतवासियों को सभी को पेट भरने का काम करते हैं, उनके खिलाफ जो काला कानून एनडीए के द्वारा लाया गया है उसके विरोध में पूरा भारत स्वतः बंद है और बंद रहेगा। हमारे साथ यहाँ पे बड़हरिया के विधायक बच्चा पांडे भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पूरा चक्का को जाम किया गया है, सरकार से क्या आह्वान? देखिए सरकार से हम लोग यही आह्वान कर रहे हैं कि जो भी काला कानून है उसको वापस लिया जाए और किसान के हित की बात किया जाए और नौजवानों के हित की बात किया जाए। जो किसान परिवार हमारे पीड़ित है, जिसके परिवार गरीबों से गरीबी से जूझ रही है, और उसके लिए उचित मूल पर खरीद किया जाए, बिक्री किया जाए और उचित मूल पर खाद बीज का उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमारे किसान भाई खुशहाल रहे। सरकार अगर किसान की बात नहीं मान तो फिर क्या होगा? देखिए हम लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग रोड पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सना भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप युवा हैं, किस तरह से चाहते हैं कि किसानों की मांग पूरी हो? देखिए किसानों का जो कानून है किसान से पूछ के बनाना चाहिए था सरकार को, किसान से तो पूछा नहीं गया और काला कानून उन पर थोप दिया गया। तो थोप जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपनी बातों को रखें तो उनकी सुननी चाहिए सरकार को। सरकार किसानों से है, नौजवानों से है और देश के वासियों से है। हर तबका विरोध कर रहा है सरकार का, तो इसमें सरकार बार बार गलत कानून बना रही है इसलिए विरोध कर रहा है। तो सरकार को सुननी चाहिए किसानों की बात, सरकार को सुननी चाहिए किसानों की बात। आप देख सकते हैं सिवान के जेपी चौक पे ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे माले और राजद के समर्थक पूरी तरह सड़क पे उतरे हुए हैं और चक्का को जाम कर दिया गया। यहाँ पे हमारे साथ सिवान सदर के राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज पूरा चक्का जाम है, पूरा बंद है, पूरा सिवान बंद है। सभी व्यवसायी भाई भी हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, इस मंदी का समर्थन कर रहे हैं। यह केंद्र सरकार ने ये जो कानून बनाने का काम किया बिल्कुल कहीं से किसानों के हित में है नहीं है, देश के हित में नहीं है। इसलिए पूरा आंदोलन शुरू हो गया है, किसानों का आंदोलन देश में चल रहा है। और आज पूरे वामपंथी और राष्ट्रीय जनता दल के जो पार्टी है इसने घोषणा किया है इस कानून के खिलाफ हम सड़कों पर आएंगे और लोगों से कहेंगे कि आप सजग होइए, जगिए और इस काला कानून को वापस कराने के लिए एकजुटता का परिचय दीजिए, संघर्ष कीजिए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना को भी ध्यान रखते हुए हम लोग इस सड़कों पर आए हैं और निवेदन पुनः करते हैं सभी लोगों से
कि शांतिपूर्ण तरीके से यह प्रदर्शन है, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सबका ख्याल जो आज लगन है उसका भी हम लोग ख्याल करेंगे और जो प्रतिष्ठान है उनसे हम लोग आग्रह किए हैं और किसी तरह के ऐसा कोई ये प्रदर्शनकारी आचरण नहीं करेंगे जिससे हमारे व्यवसायी भाइयों को कष्ट हो। देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे जाम कर दिया गया है और खासकर यहाँ पे जो शादी ब्याह का गाड़ी है वो गाड़ी को नहीं रोका जाएगा और देख सकते हैं पूरी तरह से यह बैंडिंग कर दिया गया। और प्रशासन की बात करें तो पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है और पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। अमित कुमार, सरकार न्यूज लाइव, सिवान। पूरे बिहार में हमारी पार्टी जो उतरी हुए हैं किसान के लिए, किसान के पक्ष में। ठीक, सरकार के द्वारा किसान के हकमारी करने और उसके किसान के हक के विरोध में जो कानून केंद्र सरकार से लाया गया है उसके खिलाफ हमारी पार्टी है, हमारे नेता हैं, हम लोग हैं। किसान के हक की बात होनी चाहिए। किसान अन्न तो उगाता है, उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। किसान के हक में हम लोग आज केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग चक्का जाम किए हैं, इसी वजह से चक्का।